गंभीर बीमारियां जिनके बारे में हम परेशान हैं, जैसे बवासीर एक बीमारी, इसकी बहुत अच्छी दवा अपने घर में है, मूली का रस पियो। मूली है, उसके पत्ते के नीचे वाला जो सफेद हिस्सा होता है उसको पीस कर उसका रस निकालो, और आधा कप मूली का रस खाना खाने के आधा पौना घंटे के बाद अगर आपने पीना शुरू किया तो आपका बहुत अच्छे से बवासीर और मगंदर जैसा रोग ठीक कर देगा ये मूली का रस। ऐसे ही आपके घर में और एक अच्छी दवा है मुनक्का। मुनक्के ले लो 6-7, रात को पानी में भिगो दो, रात भर उसको पड़ा रहने दो, सवेरे मुनक्का तोड़ के उसका बीज निकाल दो, फिर मुनक्के चबा के खाओ और पीछे से पानी पियो, बहुत अच्छे से आपको बवासीर ठीक करेगा, मगंदर भी ठीक करेगा। मुनक्का है, मूली है, आप चाहे तो ताजा अंगूर जब मिले ना तो अंगूर का रस पियो, काला अंगूर मिले तो और अच्छा है, आधा कप अंगूर का रस कोई भी पिए, इससे भी बवासीर ठीक होता है। ऐसे ही हमें कुछ और बीमारियां हैं, जैसे कब्जियत है, कब्ज हो जाए किसी को, तो कब्जियत के लिए आप अपने घर में बहुत अच्छी एक दवा है अजवाइन, उसको गुड़ के साथ मिला के खाओ। थोड़ी अजवाइन ले लो आधा चम्मच और थोड़ा सा गुड़ ले लो, गुड़ अजवाइन मिला के चबा के खाओ, पीछे से थोड़ा पानी पियो हल्का गर्म गुनगुना, तो पेट साफ बिल्कुल करेगा। जिनको कब्ज बहुत है, जिनको पेट साफ नहीं होता, उनकी ये बहुत अच्छी दवा है। इसी तरह पेट साफ करने के लिए और एक अच्छी दवा अपने घर के आसपास मिल जाती है, देशी गाय का मूत्र पियो आधा कप। देशी गाय का ताजा मूत्र आधा कप कोई भी पिएगा सुबह खाली पेट, एकदम पेट साफ रहेगा। ऐसे ही अपने घर में थोड़ी देर पहले मैंने कहा मुनक्का है, किशमिश है, ये भी पेट साफ करता है। मुनक्का खाओ, किशमिश खाओ, पानी में जैसे मैंने कहा डाल दो रात में और सुबह चबा के खाओ, इससे भी पेट साफ होता है। त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छी दवा है जो पेट साफ करता है, कहीं भी किसी आयुर्वेद की दवा की दुकान पर मिल जाएगा त्रिफला चूर्ण। एक चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ रात को सोते समय कोई भी ले तो एकदम पेट साफ होता है। और पेट साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं होगा तो सैकड़ों बीमारियां आपको अपने आप आने वाली। अपने घर में छोटी छोटी चीजें जो बहुत सामान्य सी दिखती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करने वाली दवा होती है कई बार।